अंतिम संस्कार के समय 1.5 साल के बेटे ने जब शहीद पिता को मुख्याग्नि दी तो ग्रामीणों की आंखें छलक गईं। देश के लिए बेहद खतरनाक मिशनों को अंजाम देने वाले पलवल के भिड़ूकी गांव निवासी पैरा ट्रूपर कमांडो तेजपाल की शहादत पर पूरे सैनिक सम्मान के साथ हजारों लोगों ने उसे नम आंखों से अंतिम विदाई दी। अपने क्षेत्र के लाल के अंतिम दर्शन और विदाई देने के लिए गांव के सिद्ध बाबा खेल परिसर में हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। शहीद तेजपाल की मौत की खबर जिसने भी सुनी वही नम आंखों से श्रद्धांजलि देने पहुंचा। तेजपाल पिछले करीब 6 महीने से कैंसर से पीड़ित था, जिसने दिल्ली RR हॉस्पिटल में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली। भिड़ूकी गांव निवासी भूपराम के बेटे तेजपाल ने सितंबर 2016 में 3rd पैरामिलिट्री फोर्स ज्वाइन की थी। करीब 3 वर्ष पूर्व उसकी शादी हुई थी, जिसका करीब 1.5 वर्ष का एक बेटा है। नाम देवो है, मेरे वो चाचा लगते थे। 3 साल उनकी शादी हुई है, 1.5 साल का बच्चा था उनका। हाँ, बेटे क्या नाम? मोक्ष। 1.5 साल का है? हाँ, 1.5 साल का। कब जानकारी मिली थी शहीद हुए हैं आपके चाचा? सुबह 2:30 बजे। आज सुबह? हाँ। क्या बताया गया था? नहीं, मैंने तो फोन पे देखा था, तो फिर मैंने कॉल करी थी कि पापा कैसे हैं चाचा, पापा ने बताई वो तो शहीद हो लिए। हाँ। हुआ क्या था, किस तरह से शहीद हुए? कैंसर था उनका, बीमार थे वो 6 महीने से। 6 महीने से? हाँ जी। उनकी यूनिट का नाम क्या था? नीरज। उनकी पत्नी का नाम? हाँ, नीरज। क्या नाम आपका? मैं कैप्टन नरसिंह, जिला पूर्व सैनिक बोर्ड पलवल से, और आज यहाँ पैरा ट्रूपर कमांडो तेजपाल की पार्थिव शरीर और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर हुजूम उबड़ा हुआ है। गांव भिड़ूकी में बहुत ही जोश और शोक के साथ में यह प्रोग्राम और भावभीनी श्रद्धांजलि और अंतिम संस्कार का प्रोग्राम किया जा रहा है। जो पैरा ट्रूपर जो तेजपाल कमांडो हैं, ये बहरहाल ये लद्दाख एरिया में 31 RR बटालियन में तैनात थे। इनकी जो पेरेंट यूनिट है वो 3rd पैरा स्पेशल फोर्सेस में ये जवान तैनात थे। इन्होंने लद्दाख एरिया में और श्रीनगर और जयपुर एरिया में अपनी तैनाती इनकी रही। इन्होंने बहुत ही बखूबी से सेना की विभिन्न परिस्थितियों में डटकर मुकाबला किया, जो कि अपनी निजी ज़िंदगी में थोड़ा सा अभी हार कल मान गए, हार हो गई उनकी। इनके परिवार में इनके पिता का बहुत ही कम उम्र में, जब ये छोटे थे, देहांत हो गया था, तो इन्होंने अपना लालन पालन इनके जो है रिश्तेदारों ने और घर वालों ने करके और सेना में भर्ती हुए। ये सितंबर 2016 में पैरा में भर्ती हुए और विभिन्न विभिन्न स्थानों पर इन्होंने अपनी ड्यूटियाँ निभाई। इसके बाद में इनके परिवार में इनकी धर्मपत्नी और एक पुत्री है, मात्र इनका छोटा सा परिवार है। और ये इकलौते अपने घर में एक पेशेवर थे, मतलब जो सेना में, जिनके घर का जो पूरा संचालन था इन्हीं की देखरेख में, और इन्होंने अपने घर को आगे बढ़ाया। और यह बहुत ही आज गांव भिड़ूकी में दुख का और माहौल है, और दुख के साथ साथ पूरा गांव भिड़ूकी और इस इलाके में एक प्राउड का मोमेंट भी है, क्योंकि इन्होंने देश के और मातृभूमि के लिए अपने सेना में नौकरी करते हुए सेवाएं देते हुए और वो मातृभूमि को अलविदा कह गए। इसी कैसे हुई, किस तरह से हुई इनकी शहादत? ये लद्दाख एरिया में थे, तो इनको लद्दाख एरिया में इनको जो शारीरिक कष्ट होने लगा, तो कष्ट होने के बाद में ये MH जो लद्दाख है वहाँ हॉस्पिटल होता है उसमें ये भर्ती हुए। उसके बाद में जब इनकी बीमारी ज़्यादा बढ़ती गई तो इनको यहाँ RR हॉस्पिटल दिल्ली में रेफ़र कर दिया गया। और इसके मामले में, इस संज्ञान में मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है। और ये मात्र 3-4 महीने की बीमारी के दौरान और ये अपनी मातृभूमि को अलविदा कह गए।